एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, फाइव मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, एंड दिस इज़ अ पार्ट टू। सो पार्ट टू चल रहा है। पार्ट वन वाले सेशन में ऑलरेडी हमने पांच क्वेश्चंस कर लिए थे, अब पार्ट टू हम करने वाले हैं। सो फाइव क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, उसके बाद से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द सिक्स्थ क्वेश्चन? एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज द जॉब इवैल्यूएशन इज अ टेक्निक इन विच एम्स एट। सो जॉब इवैल्यूएशन एक टेक्निक है विच एम्स एट एस्टेब्लिशिंग अ फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर, एनालाइजिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द अपडेटिंग टेक्नोलॉजी, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब और इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। जॉब को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो किसके बेसिस पे करेंगे? सो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका इक्विटेबल एंड द पे स्ट्रक्चर। सो दैट मीन्स जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? वर्थ को फाइंड आउट करना, वर्थ ऑफ द जॉब। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन इज द वर्थ ऑफ द जॉब। सो इट मींस दैट कि यहाँ पे जो फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर होता है, वेजेस सैलरीज एंड ऑल, तो वो आ जाता है जॉब को इवैल्यूएट करने का एक तरीका। ठीक है, वैल्यू और वर्थ को फाइंड आउट करना ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम पे स्ट्रक्चर से ही आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द फैक्ट्रीज एक्ट। कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड फैक्ट्री मोर देन, कितने वर्कर्स जब होंगे तो कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड होगी? 100, 250, 600 और 1000। सो व्हाट इज द आंसर? कैंटीन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन व्हेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड मोर देन 250। तो 250 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ होंगे तो कैंटीन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होगी फैक्ट्री में, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट डिफाइंस ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन की गई इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो वो कौन से एक्ट में डिफाइन की गई? ठीक है, कौन से एक्ट में डिफाइन की गई? ट्रेड यूनियन एक्ट 1955 में, ट्रेड यूनियन एंड द लेबर रिलेशन एक्ट 2005 में, ट्रेड यूनियन एंड द लेबर रिलेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1991 और कंसोलिडेशन एक्ट 1992। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी, दैट इज ट्रेड यूनियन एंड द लेबर रिलेशन कंसोलिडेशन एक्ट इन 1992 में जो एक्ट आया, ट्रेड यूनियन लेबर लेजिस्लेशन एक्ट जो आया, यूके एक्ट ने इसको पार्लियामेंट में डिफाइन किया, दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम लेबर एक्ट है ये। ये बेसिकली एक्ट कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया। सो इसीलिए जो ट्रेड यूनियन डेफिनेशन है पहली बार इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन से एक्ट में हुई थी? ट्रेड यूनियन एंड द लेबर लेजिस्लेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1992 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूनियन बेलॉट? यूनियन बेलॉट का मतलब क्या होता है? अ बेलॉट इन विच द सिस्टम बाय विच द यूनियन मेंबर्स वोट, जहाँ पर यूनियन मेंबर्स वोटिंग करते हैं और देन ए सेलेक्शन होता है, वो बेलॉट है। वो एक ऐसा एरिया जहाँ पर रिक्रूटमेंट से नए एम्प्लॉयज़ को फॉर्म किया जाता है, और वो ऐसा बेलॉट जहाँ पर यूनियन एक्सपेल्स करते हैं मेंबर्स को। ठीक है, बेलॉट इन विच अ सिस्टम बाय विच द यूनियन मेंबर पुट इंफॉर्मेशन फॉर लिस्टिंग, सो लिस्टिंग के लिए हेल्प करते हैं। सो यूनियन बेलॉट क्या होता है? सीक्रेट बेलॉट, राइट? तो सीक्रेट बेलॉट में क्या करते हैं? सीक्रेट बलॉट में हम मेंबर्स को वोटिंग के फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यूनियन मेंबर्स को सेलेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ द वोटिंग, इज इट फाइन? सो उसको हम कहते हैं यूनियन बलॉट और सीक्रेट बलॉट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेड यूनियन? वॉलेंट्री एसोसिएशन, कॉमन गोल, इंटरमीडिएटरी और इंडिविजुअल एक्शन। सो व्हाट इज द आंसर? कौन सा इसमें से ट्रेड यूनियन कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट नहीं है? सो द आंसर इज इंडिविजुअल एक्शन। इंडिविजुअल इज नॉट रिलेटेड विद द ट्रेड यूनियन, क्योंकि ट्रेड यूनियन तो सबको लेकर चलता ना, कलेक्टिव एक्शन को डिफाइन करता है। सो आई होप 5 questions आज आपको समझ आ गए होंगे, और भी हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ 5 questions करेंगे। एंड हाँ, मैं क्लासेस भी प्रोवाइड कर रही हूँ अन अकेडमी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं मेरी, स्पेशल क्लासेस चल रही हैं मेरी, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेली बेसिस का नेक्स्ट डे का आपको स्केड्यूल मिल जाता है। मैं वहाँ पर आपको स्केड्यूल शेयर कर देती हूँ, वहाँ पर आप एनरोल भी कर सकते हैं क्लासेस को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं NTU UGC नेट के लिए, राइट? यहाँ पर एक चीज़ और है, अनअकैडमी ने आप लोग के साथ एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म शेयर किया है, वो प्लेटफॉर्म है फॉर द प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको फ्री यूनिट टेस्ट
यूनिट वाइज PYQs टेस्ट आपको मिल जाएंगे और वो होंगे लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है। एंड दिस इज़ ओनली फॉर द पेपर वन के लिए है, इससे आपकी हेल्प होगी, पेपर वन आपका इम्प्रूव होगा। वैसे भी मैं आपको पेपर वन करवा रही हूँ स्पेशल क्लासेस में, और अगर आप टेस्ट दोगे तो उससे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। सो 7 मई को आपका होने वाला है और एक 21 मई को होने वाला है, एंड द टाइमिंग विल बी 7 PM. 7 PM विल बी द टाइमिंग फॉर द टेस्ट। सो डू एनरोल द सेशंस, डू एनरोल द क्विजेज और द स्कॉलरशिप टेस्ट, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्री लर्नर्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर फ्री लर्नर्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और जो भी फ्री लर्नर्स हैं जो पहली बार अनअकैडमी के ऐप पे आ रहे हैं और मेरे सेशंस को देख रहे हैं, सो वो इस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ PKNET10, ठीक है। सो दैट आपको सारी की सारी वीडियोस और सारे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड हो सके, राइट, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो यू कैन यूज़ द कोड दैट इज़ PKNET10 फॉर द फ्री क्लासेस ऑल्सो। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।